पहनने वाले के लिए ग्रह नक्षत्र सब देख करके लोग पहनते हैं सब चीज़ें। अब लाभ और हानि का जो विषय है, अब यहाँ देखना पड़ेगा, किसी भी वस्तु को पहनने से कोई लाभ नहीं होता और हानि भी हम मानते हैं नहीं होता। हाँ, कोई ऐसी विष है, विष पी लोगे तो मर जाओगे, तो हानि करेगा ही करेगा, समझ गए ना। अमृत पिएंगे तो वो भी लाभ देगा क्योंकि वो अमृत है, परंतु कोई लोहा लक्कड़ ये वो नुकसान करता है क्योंकि वो कई पत्थर जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए बड़े सोच समझ के पहनना चाहिए उनको। अब रही बात रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष पहन करके अगर मनुष्य ईश्वर का चिंतन करे तब तो लाभ देगा, और ईश्वर का चिंतन न करे तो कुछ नुकसान भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो दैविक चीजें होते हैं वो किसी का हानि नहीं करते, अगर हानि कर दे तो उसमें ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु अगर हानि कर रहा है तो वह ईश्वरीय शक्ति नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर का एक ही सिद्धांत है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़ना, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है, और दूसरे को हित कर कि सबका हित करने के समान कोई पुण्य नहीं। ईश्वरीय शक्ति कभी भी आपका इस प्रकार का हानि नहीं करती, समझ रहे हैं ना। तो रुद्राक्ष पहन करके आदमी भजन पूजन करे, उससे पहनने का मतलब क्या है, रुद्राक्ष हाथ में लेने का मतलब क्या है, अरे वो रुद्राक्ष पहने, पहनने का मतलब उद्देश्य एक ही यही होता है कि उसको गले से निकाल ले और उस पे जाए, समझ रहे हैं ना। माला धारण करने का एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य जहां भी हो सोने से पहले माला निकाल के सोना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिए आप, माला पहन के सोना नहीं चाहिए। और जब आप गले से माला रात को निकालते हैं, अगर उसको आप बिना फेरे पूरा एक राउंड चाहे राम राम ही कर लीजिए, बिना घुमाए ऐसे ही रख दिए, तो आपकी शरीर की ऊर्जा जरूर क्षीण हो जाती है। और अगर आपने उस माला पे राम 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 108 बार घुमा के सिरहाने रख दीजिए, आपका शरीर में ऊर्जा वृद्धि होगी। सुबह पहनने से पहले उठिए पहन लीजिए, या नहा धोवा के पहन लीजिए, पहनने से पहले भी एक बार राम 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 राम, तो वो माला आपको अति लाभ ही करेगा, लाभ ही लाभ देगा, क्योंकि वो राम नाम से ऊर्जान्वित हो गया, राम नाम से अंकित हो गया। क्या हो गया? तो राम नाम से अंकित किया हुआ पत्थर भी पानी पे तैर गए तो माला कितना समृद्धशाली हो जाएगा, कितना शक्तिशाली हो जाएगा। हाँ, माला इस प्रकार से अगर आप चाहे तुलसी हो चाहे रुद्राक्ष हो, किसी भी माला जो पहनने लायक हो पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप बस पहने रहिए, उतार के रखिए, पहनिए एक यंत्र की तरह, तो वो आपको लाभ तो करे ना करे हानि भी नहीं